बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाही कुकिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाएंगे चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा पराठा। इंशाल्लाह आप लोग को पसंद आएगा, बहुत ही इजी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिए, बहुत टेस्टी बनेगा इंशाल्लाह। और हम ये आटे से बनाएंगे, मैदा नहीं यूज़ करेंगे और बहुत ही आसानी से बन जाएगा इंशाल्लाह। तो चलिए बनाते हैं। 2 कप आप आटा ले लीजिए, 1 टीस्पून घी ले लीजिए, 1/2 टीस्पून नमक ले लीजिए, कलौंजी डाल लीजिए 1 पिंच, 1 पिंच अजवाइन डाल लीजिए, चाहे तो आप डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते। 2 टीस्पून ऑयल डाल लीजिए। अब इसे हम गून लेंगे, या नॉर्मल वाटर से हम इसे गून लेंगे। आटे को आप अच्छे से सॉफ्ट गूनिए। अच्छे से हमें इसे गूंदना है, तरह से आप गूंद लीजिए। अब इस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे रख देंगे 10 मिनट्स के लिए कवर करके। अब इसकी हम स्टफिंग बना लेंगे। ये मोज़रेला चीज़ है, इसमें हम अदरक चॉप करके डाल लेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च आप बारीक कट करके डाल लीजिए, और चिली फ्लेक्स है ये, थोड़ा सा नमक डाल लीजिए। अब इसमें ऐड करेंगे हम ओरिगानो। अब इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम आटा जो गूंद के रखे थे इसे और अच्छी तरीके से हम इसे गूंद लेंगे। आप लोग को मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह, आप लोग ज़रूर बनाइए। हमें इसे इस तरह से कट कर लेंगे। अब इसे हम बेल लेंगे, और एक साइड आप तवे को गरम कर लीजिए। आपको बाद में पता चलेगा कि हम क्यों तवे को गरम करें। अब इसमें हम स्टफिंग डाल लेंगे जो बनाकर रख लिए थे हम मोज़रेला चीज़ से डालकर। इसे हम पानी लगाकर ऊपर से एक और एक जो रोटी हम बेल लिए हैं वो इस पर रख देंगे। पानी लगाने से चीज़ बाहर नहीं निकलेगी, अच्छे से ये चिपक जाएगी। इस तरह से हम पूरा साइडों से इसे चिपका लेंगे। अब इसे हम थोड़ा सा इसके किनारों को कट कर लेंगे। अब इसे हम पैन में लो फ्लेम पे आप इसे सेकिए। हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ा सा हमें इसे पकाएंगे, रोटी का जो कच्चापन है वो चले जाए, बस इतना ही पकाइए आप। अब इसे हम पलट लेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब हम जो कच्ची साइड है वो नीचे कर देंगे। अब इसके ऊपर हम केचप डाल लेंगे, आप चाहे तो कोई भी इस पे स्टफिंग डाल सकते, जो चाहे आप डालिए, मायोनीज भी डाल सकते आप। अब हम केचप डाल लिए, अब हम इस पर टमाटर डाल लेंगे बारीक कट करके। आप टमाटर डाल लीजिए, प्याज डाल लीजिए, थोड़ी सी हरी मिर्च कट करके डाल लेंगे। प्याज आप अगर नहीं खाते तो नहीं डालिए, कोई और सब्ज़ी है डाल ले सकते आप। इसमें हम शिमला मिर्च डाल लिए हैं। अब इसमें स्वीट कॉर्न डाल लीजिए आप,
हम फ्लेम को ऑफ़ कर दिए थे, ये याद रखिए आप। फ्लेम को ऑफ़ करके ये सारे चीज़ें आप डाल लीजिए, चिली फ्लेक्स डालिए और ओरिगानो डाल लीजिए, अब मोज़रेला चीज़ डाल लेंगे। सारी चीज़ें डाल के अब आप इसे ऑन कर लीजिए। हम एक साइड हम तवे को गरम कर लिए थे, ये तवे को हम उसके ऊपर रख देंगे। गरम करके रखिए आप, ये देखिए ऊपर से तवे के जो हीट था तवा, उससे अच्छे से चीज़ मेल्ट हो गई है, नीचे से भी अच्छे से कुक हो गया है, अब रेडी हो गया है ये। अब इसे डिश आउट कर लेंगे, ये देखिए कितना अच्छा बना है, टेस्टी भी बहुत है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। देखिए हम जो अंदर स्टफिंग भरे थे चीज़ की, ये देखिए कितने अच्छे से चीज़ दिख रही है। तो चलिए इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर बनाइए, बच्चों को बहुत पसंद आएगा ये। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।